जम्मू कश्मीर के कुलगांव जिले में एक बीजेपी सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद आतंकी भाग गए, जिनकी तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में एक और सरपंच की आतंकवादियों ने हत्या कर दी। कुलगांव जिले के काजीकुंड ब्लॉक के वेसु गांव में भारतीय जनता पार्टी सरपंच पर गुरुवार को आतंकियों ने हमला कर दिया, उन्हें गोली मारी गई थी। तुरंत बीजेपी सरपंच को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूत्रों ने बताया कि आतंकियों ने बीजेपी सरपंच सजाद अहमद खांडे को आतंकियों ने गोली मारी है। हमला उस वक्त हुआ जब वह वेसु में अपने के पास खड़े थे। बीजेपी सरपंच को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। बीजेपी सरपंच सजाद अहमद को जीएमसी अनंतनाग में एडमिट करवाया गया था। जीएमसी के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल सोफी ने कहा कि बीजेपी सरपंच सजाद अहमद की मौत अस्पताल आने के पहले हो गई थी। पिछले 48 घंटे के अंदर दूसरे बीजेपी सरपंच पर आतंकियों ने हमला किया है। इससे पहले 4 अगस्त की शाम को काजीगुंड अखरान में आतंकियों ने बीजेपी पंच आरिफ अहमद पर हमला किया था, वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इससे पहले भी अनंतनाग जिले में आतंकियों ने 8 जून को कश्मीरी पंडित सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी थी। लश्कर ए तायबा से जुड़े संगठन द रजिस्ट्रेशन फ्रंट ने इस हत्या की जिम्मेवारी ली थी। पुलिस अधिकारी ने बताया था कि आतंकियों ने शाम 6 बजे अनंतनाग जिले के लड़कीपुरा इलाके के सरपंच और कांग्रेस के सदस्य अजय पंडिता की उनके गांव में हत्या कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाकर संजय सरपंच अजय पंडिता के हत्यारों को मार गिराया था। श्रीनगर से फिरदौस कादरी की रिपोर्ट। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।